आखिर आखिर क्या आप जानते हैं कि प्राचीन एशिया में हाथी द्वारा मृत्यु दंड देने का एक लोकप्रिय रूप था। जी हाँ दोस्तों, आप जो सोच सकते हैं हाथी द्वारा मृत्यु दंड के बारे में। और आखिर क्या आप जानते हैं कि पहले जमाने में काटे का उपयोग करना अपवित्रता के रूप में देखा जाता था। जी हाँ दोस्तों, और यह फैक्ट जानकर शायद आपके होश भी उड़ जाए कि 16वीं शताब्दी में धनी अभिजात वर्ग के लोग इंसानों के शव को खाते थे। जी हाँ दोस्तों, इंसानों के शव को। नंबर वन, प्राचीन एशिया में हाथी द्वारा मृत्यु दंड देने का एक लोकप्रिय रूप था। उन्हें हड्डियों को धीरे धीरे तोड़ना, खोपड़ियों को कुचलना, अंगों को मरोड़ना या यहाँ तक कि अपने दांतों पर फिट किए गए बड़े ब्लेड का उपयोग करके लोगों को मारने सिखाया जा सकता है। एशिया के कुछ हिस्सों में निष्पादन की यह विधि अभी भी 19वीं शताब्दी के अंत तक लोकप्रिय थी। नंबर टू, लुफ्टवाफे के पास एक मास्टर पूछताछ करता हैंस सर्प था। जी हाँ दोस्तों, पूछताछ करता जिसकी रणनीति यथासंभव अच्छी थी कैदियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्प के सर्वोत्तम रणनीति में शामिल थे। प्रकृति बिना गार्ड के चलती थी। जी हाँ दोस्तों, उन्हें घर का बना खाना पकाना, चुटकुले सुनाना, बियर पीना और जर्मन लड़ाकू इक्के के साथ दोपहर की चाय उनकी तकनीकें इतनी सफल रही कि अमरीकी सेना ने बाद में उनके तरीकों को अपने स्वयं के प्रस्ताव स्कूलों में शामिल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों। नंबर थ्री, पहले जमाने में कांटे का उपयोग करना अपवित्रता के रूप में देखा जाता था। जी हाँ दोस्तों, व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले खाने के बर्तनों को एक बार इस निंदा और भगवान के लिए अपमान के रूप में देखा गया था। क्यों? क्योंकि वे कृत्रिम हाथ थे और इसलिए उन्हें पवित्र माना जाता था। नंबर फोर, 16वीं शताब्दी में धनी अभिजात वर्ग के लोग शवों को खाते थे। जी हाँ दोस्तों, इंसानों के शवों को। यह अफवाह थी कि यानी कि उनका मानना था कि लाशें बड़ी बड़ी बीमारियों को इलाज कर सकती थी जिसकी वजह से वह इंसानों के खोपड़ियों खाते थे। नंबर फाइव, 100 मिलियन वर्ष पहले सहारा रेगिस्तान पर सरपट दौड़ते मगरमच्छों द्वारा बसा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उस समय सहारा रेगिस्तान जीवों से भरा और शिकारियों से भरा एक रसीला नखलिस्तान था। 2009 में जीवाश्म शिकारियों को मगरमच्छों के अवशेष मिले जिनके बड़े जमीन पर चलने वाले पैर थे जो खतरनाक गति से जमीन पर सरपट दौड़ते में सक्षम थे। आप इसके बारे में सोच सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।